कोकरन बॉयलर एक मल्टी ट्यूबलर वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर होता है जो कि हॉरिजेंटल फायर ट्यूब्स से मिलकर कंसिस्ट होता है कोकरन बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर भी बोला जाता है कोकरन बॉयलर सिंपल वर्टिकल बॉयलर का मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसमें इसके हीटिंग सरफेस को फायर ट्यूब्स के हेल्प से इंक्रीज किया जाता है फायर ट्यूब बॉयलर का जो एफिशियंसी है वो सिंपल वर्टिकल बॉयलर से ज़्यादा होता है बॉयलर का मेन फंक्शन होता है वाटर को अस्टीम में कन्वर्ट करना सो फायर ट्यूब बॉयलर इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट वाटर इन टू अस्टीम कोकरन बॉयलर में डिफरेंट मेन पार्ट्स लगा हुआ रहता है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है सो so, आप भी अगर इस टॉपिक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच करें आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें सेल बॉयलर का जो मेन बॉडी रहता है उसको सेल बोला जाता है सेल हेमी अस्फेरिकल सेप का रहता है एंड टॉप में प्लेस रहता है जिसके अंदर अस्टीम को स्टोर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया हुआ रहता है ग्रेट वॉयलर का वो पार्ट जहाँ पर सॉलिड फ्यूल को सप्लाई करते हैं उस पार्ट को ग्रेट बोला जाता है कंबसन चैम्बर कंबसन चैम्बर के इनर पोर्शन को ब्रिक से डिजाइन किया जाता है ताकि ओवर हीटिंग से सेल के इनर पोर्शन को प्रिवेंट कर सके फायर ट्यूब्स फायर ट्यूब्स होलो इंसुलेटिंग ट्यूब्स होता है जिसका वन एंड फर्नेस से कनेक्ट रहता है और इसका दूसरा एंड चिमनी से कनेक्ट रहता है हीटिंग सरफेस को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर सेवरल ट्यूब्स का यूज किया जाता है फायर हॉल बॉटम में कम्बसन चैम्बर के पास स्मॉल होल रहता है जहाँ पर फ्यूल को प्लेस करते हैं क्रोन और फायर बॉक्स। फायर बॉक्स भी डोम सेप का रहता है जस्ट लाइक सेल ऑफ द बॉयलर ताकि बनने वाला फ्लूई गैसेज रिफ्लेक्ट बैक हो सके यहाँ पर फ्यूल का कंबसन होता है और जो फ्लू गैसेज बनता है वो कम्बसन चैम्बर के थ्रू फ्लो करता है चिमनी फ्लू गैसेस को स्मोक बॉक्स से बाहर एग्जिट करने के लिए चिमनी को डिजाइन किया जाता है फायरब्रिक लाइनिंग फायरब्रिक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है फायरबॉक्स में जेनरेट होने वाला हीट कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू बॉयलर के अदर पार्ट्स में डिसिपेट ना हो सके इसलिए वहाँ पर कंबसन चैम्बर को ब्रिक से लाइनिंग करते हैं फीड चेक बल्ब वॉयलर के अंदर वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एंड वाटर के फ्लो बैक को प्रिवेंट करने के लिए फीडचेक बल्ब का यूज करते हैं एस पीट फ्यूल के कम्बसन के बाद उसका जो एसेज बचता है वो जहाँ पे स्टोर होता है उसको एस पीट बोला जाता है स्मोक बॉक्स डोर स्मोक बॉक्स में जो मटेरियल डिपोजिट होता है उसको बाहर एग्जिट करने के लिए एक छोटा सा स्मोक डोर बनाया जाता है एंटी प्रीमिंग पाइप कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर के अंदर जो स्टीम है उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट बाहर आ जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी प्रीमिंग पाइप का यूज किया जाता है नेक्स्ट है प्रेशर गेज बॉयलर के अंदर स्टीम के प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गैज का यूज किया जाता है सेफ्टी बल्ब जब बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर एक्सेस लेवल में पहुंच जाता है तो कुछ स्टीम को सेफ्टी बल्ब के थ्रू रिलीज कर देते हैं वाटर लेवल गैज बॉयलर के आउटर पोर्शन पे एक ग्लास ट्यूब अटैच रहता है जो कि बॉयलर के अंदर स्टोर वाटर के लेवल को मेजर करता है फ्यूजिंग प्लग इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर का जो फर्नेस रहता है उसका टेम्परेचर सेफ्टी लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो फ्यूजिंग प्लग है वो मेल्ट हो जाता है और जो वाटर है वो हीटेड फर्नेस के ऊपर आने लगता है और बनने वाले फायर को एक्सटिंग यूज कर देता है एंड बॉयलर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो डैमेज होने से बच जाता है प्यूरीफाइड वाटर को होलो ट्यूब्स के अराउंड बॉयलर में स्टोर करते हैं फायर हॉल के थ्रू कोल को एज अ फ्यूल ग्रेट के ऊपर प्लेस करते हैं एंड प्रॉपर अमाउंट में जो एयर है वो फायर हॉल के थ्रू कंबसन चैम्बर में इंटर करता है देन फ्यूल एंड एयर के मिक्सचर का स्पार्किंग होता है कंबसन के कारण वहाँ पर जो फ्लू गैसेज बनता है वो क्रोन एंड कंबसन चैम्बर के थ्रू फायर ट्यूब्स में इंटर करता है एंड स्मोक बॉक्स की ओर फ्लो करता है वहाँ पर जो फायर ट्यूब्स है वो वाटर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है एंड फ्लुइड गैसेज के कारण फायर ट्यूब के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है सो so, वहाँ पर ट्यूब्स के अंदर जो हीट रहता है वो वाटर में ट्रांसफ़र होता है मतलब ट्यूब्स के अंदर जो हीट रहता है वो वाटर के साथ एक्सचेंज होता है और वहाँ पर जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर जो वाटर स्टोर है उसका टेम्परेचर भी इनक्रीज होने लगता है एंड आफ्टर सम टाइम्स जो वाटर है वो अस्टीम में कन्वर्ट होने लगता है एंड वहाँ पर बनने वाला स्टीम अपर साइड में जो सेल है वहाँ पर स्टोर होने लगता है जब स्टीम का रिक्वायर्ड प्रेशर जनरेट हो जाता है तो फिर उस स्टीम का यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है जो फ्लू गैसेज रहता है वो चिमनी के थ्रू बाहर एटमोसफेयर में एग्जिट हो जाता है और यही प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होते रहता है इस तरह से फायर ट्यूब बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें